जानबूझ के किया हो सकता है उस समय उनको इससे अच्छा ऑप्शन ना लगा हो। मैं कोशिश करूंगा किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाने से बचूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि नेहरू जी बहुत धोखेबाज किस्म के आदमी थे, नेहरू जी ने देश से दगा किया, ऐसी बकवास मैं नहीं मानता हूं। नेहरू जी शानदार आदमी थे, और कोई भी शानदार आदमी जब इतने बड़े फैसले करेगा तो जो आदमी आप सोच के देखिए 1947 से 64 17 साल पीएम रहा हो, 17 साल पीएम रहने वाला आदमी, वो भी जब देश बहुत कठिन दौर में था, उससे गलती तो होगी। एक अर्थ मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के मामले में नेहरू से थोड़ी सी गलती हुई है, पर वो गलती इंटेंशनल थी मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानने से बचूंगा कि वो साजिश कर रहे थे भारत के खिलाफ। मैं कल्पना करता हूं कि नेहरू की जगह महात्मा गांधी होते भारत के प्रधानमंत्री, मेरा दावा है कि वो भी ऐसा ही करते। टैगोर होते तो दो कदम और आगे बढ़ के कुछ करके आते। हाँ, पटेल होते तो शायद थोड़ा सा कुछ अलग फैसला होता, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का चेंज आ जाता, थोड़ा सा अलग फैसला होता, क्योंकि पटेल की अप्रोच अलग थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अपने महान नेता की नीयत पर शक करने लगे। नीयत पर सवाल मत कीजिए, समझे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया होगा, सिचुएशंस क्या थी। तो अंग्रेजों ने कहा रियासतों से कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप भारत का हिस्सा बन जाए, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या इंडिपेंडेंट रहे। जो छोटी रियासतें थी उनकी तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं, और ये अच्छा हुआ कि पटेल को ये काम दिया गया कि आप रियासत मंत्रालय के प्रमुख आप हों। वो गृहमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, और रियासती काम का जो मंत्रालय था उसके भी प्रमुख थे। वीपी मेनन उस समय हमारे एक बहुत बढ़िया सिविल सर्वेंट थे, उनको सचिव बनाया रियासत मंत्रालय का, और पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व काम किया जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इटली का एकीकरण पढ़ाया अपने इतिहास में, तो जो काम गैरिबाल्डी या मैजिनी वहां कर रहे थे, जो बिस्मार्क जर्मनी में कर रहा था, लगभग वही भूमिका पटेल की भारत में रही। और पटेल की रही का मतलब पटेल प्लस वीपी मेनन दोनों की भूमिका रही, और यदि पटेल वैसी भूमिका ना निभाते तो निश्चित रूप से आज हम बहुत सारे देश होते। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि दिल्ली से पटना भी जाना होता तो हम 4 देश क्रॉस करके जाते, 4 जगह वीजा लेते, 4 जगह स्टैंप लगवाते, और हम कहते कि मैं अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आया हूं। और इंटरनेशनल ट्रेन थी जो भारत दिल्ली देश से निकलकर गाजियाबाद देश में घुसी, गाजियाबाद देश के बाद फिर वो इटावा देश से गुजरते हुए कानपुर और इलाहाबाद देशों से गुजरते हुए पटना देश में पहुंची। हम ऐसी बात कर रहे होते। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं तो इसका सारा श्रेय मुख्य रूप से एक व्यक्ति को जाता है, उसका नाम पटेल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पटेल ने लगभग सारी रियासतों को मैनेज कर लिया, और वो मैनेज क्या करते थे, बात करते थे, वकील थे बहुत सफल, बात करने का स्टाइल उनको आता था। एक हाथ में गाजर एक में लाठी लेके निकलते थे, पहले गाजर खिलाते थे कि ले खा ले भाई गाजर खा ले, नहीं खाए तो थोड़ा सा लाठी मारते थे ऐसे, और सब लोग समझ जाते थे। उनका एक ही कहना था कि देखो तुम्हारी जनता ने, तुम्हारी रियासत की जनता ने स्वाधीनता आंदोलन में खूब बढ़ के हिस्सा लिया है, वो केवल अंग्रेजों से स्वाधीन नहीं होना चाह रहे, तुमसे भी होना चाह रहे हैं, तो या तो मान जाओ आराम से, नहीं तो विद्रोह करवाने में हमें 2 मिनट लगेंगे। जनता विद्रोह करेगी, आपके राजमहल के अंदर आएगी, फिर वो आपको साथ में उखाड़ के ले जाएगी, तो उससे बेहतर है कि आप चुपचाप मान जाएं और भारत का हिस्सा बन जाएं। पटेल ने यह भी समझाया कि जो 3 चीजें इंग्लैंड के पास थी, हम वही 3 चीजें आपसे मांग रहे हैं, हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम डिफेंस मांग रहे हैं, विदेशी संबंध मांग रहे हैं, और संचार मांग रहे हैं। संचार का मतलब होता है जैसे नौसेना है, नौसैनिक परिवहन है, हवाई जहाज का परिवहन है, रेलगाड़ियां हैं, टेली कम्युनिकेशन से, वो सब संचार में आता है। ये हिस्से हमें दे दो, बाकी तुम संभालो, क्या दिक्कत है। ये सब कहने की बात थी, ये सब कह के उनको मतलब फुसलाया गया, सब उनकी बात में आ गए। एक दो ने कहा कि नहीं आएंगे बात में, भोपाल ने कहा बात में नहीं आएंगे, तो धमकाया तो वो भी कंट्रोल हो गया। त्रावणकोर ने कहा, कोचिन त्रावणकोर ने कहा, उसको भी धमकाया तो वो भी ठीक हो गया। मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी धमकियों की वजह से भारत एक हुआ है, ऐसा नहीं कि सारा प्यार मोहब्बत से हो गया था, बहुत सारी धमकियां उस समय दी गई थी, और जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। अगर उससे एक देश का एक देश बनना संभव होता हो तो धमकियां ठीक हैं, ऐसा क्या है। 3 जगह मामला फंसा जो इतिहास में आप जानते हैं। एक फंसा जूनागढ़ में जो गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा है, एक हैदराबाद में फंसा, और एक फंसा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक बात और समझनी है कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो क्या हो रहा था उस समय। भारत के
हिस्से का एक बड़ा भाग कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पास था और अंग्रेज उसको देके जा रहे थे, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, वो मिल रहा था हमें। भारत का ठीक ठाक हिस्सा 40% के आसपास रियासतों का हिस्सा था। रियासतें हमें मिल नहीं रही थी 15 अगस्त को, रियासतें हमारा हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी ये उनकी चॉइस थी। भारत की 5 टेरिटरीज फ्रांस के पास थी उस समय, एक चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, फिर यनम, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी। यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश के इलाके में, माहे पड़ता है केरल के इलाके में, पौंडीचेरी पौंडीचेरी है, कराईकल थोड़ा सा और चेन्नई की तरफ बढ़ेंगे पौंडीचेरी से 150 किलोमीटर तो वहां आता है। ये 4 अलग अलग हिस्से थे और फ्रांस के कब्जे में थे। इंग्लैंड भारत से जा रहा था, फ्रांस तो नहीं जा रहा था। ये हिस्से भारत को कैसे मिलेंगे ये डाउट था ही उस समय। फिर पुर्तगाल के पास गोवा था, दमन था, दीव था, दादरा नगर हवेली थी, और पुर्तगाल भी भारत से नहीं जा रहा था, तो सवाल ये भी था कि पुर्तगाल का हिस्सा भारत को कैसे मिलेगा। इन सबको मिला के एक देश बनाना था, ये मजाक नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। हमारे देश के सबसे बड़े दो दुर्भाग्य ये रहे कि महात्मा गांधी 1948 की शुरुआत में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, संविधान पूरा बनते हुए देख नहीं पाए। अगर वो संविधान बनते हुए देख पाते तो शायद संविधान वैसा न होता जैसा आज है। कम से कम पंचायती राज केवल DPSP में ना होता, पंचायती राज की व्यवस्था पहले ही होती जो 73वें 74वें संशोधन से बाद में हुई, शायद पहले ही हो जाती। दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि पटेल जो नेहरू से 14 साल बड़े थे उतने स्वस्थ नहीं थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 50 दिसंबर में मुंबई में उनकी मौत हुई। पटेल का भारत का PM बनना तय ही था, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने इंसिस्ट किया कि PM नेहरू बने। क्यों किया डिबेट है, मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक प्रैग्मेटिक बात ये थी, व्यावहारिक बात ये थी कि इस बात का अनुमान रहा होगा कि पटेल के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, नेहरू युवा हैं, तो संक्रमण काल में एक ऐसा व्यक्ति PM बने जो कम से कम 10-20 साल तक देश को संभाल सके। मेरा अनुमान है कि ये बात भी उनके मन में रही होगी। तो नेहरू PM बने, PM बनने के कुछ महीने में गांधी चले गए और लगभग 2 साल के बाद पटेल भी चले गए। ये अच्छा हुआ कि पटेल को 2 साल मिल गए, पटेल ने सब रियासतों को मैनेज कर लिया। आप सोचे कि 565 में से पाकिस्तान के हिस्से को छोड़ भी दें, अगर 530-35 भी रियासतें हों, जो आदमी 530 में से 529 नंबर लाता हो उसको क्या रैंक देंगे। 2 मुश्किल प्रश्न आए थे उसके पेपर में, एक जूनागढ़ का, एक हैदराबाद का। उन मुश्किल प्रश्नों को भी सॉल्व कर ही लिया। कैसे किया, थोड़ा सा वहां से इतिहास समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जूनागढ़ आपको पता है कि भारत का जो ये गुजरात वाला हिस्सा है उसमें उसका जिक्र आता है, सौराष्ट्र के हिस्से में यानी के नीचे की तरफ, यहां पाकिस्तान का इलाका है। जूनागढ़ की आबादी तो हिंदू थी, वहां का शासक मुसलमान था, महाबत खान उसका नाम था। इसके मन में आया कि क्यों ना मैं पाकिस्तान से मिल जाऊं, मूर्खता थी, पाकिस्तान से कैसे मिल जाएगा, यहां से पाकिस्तान कैसे जाएगा, अगर ट्रांसफर भी करवाना है किसी का तो कैसे पहुंचेगा वहां तक। पर ऐसा होता है कई बार आदमी जोश में होश खो बैठता है। फिर उसको लगा कि पाकिस्तान मुझे शायद समुद्री मार्ग से सपोर्ट कर देगा। पाकिस्तान को भी ऐसा लगा, जिन्ना उस समय एकदम भूखे थे साम्राज्य के कि थोड़ा और स्थान मिल जाए, थोड़ी और जगह मिल जाए। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ खुद को विलयित कर लिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। तिथियों से बात समझना आसान रहेगा ताकि आप समझें कि जो फैसले हुए उन फैसलों के समय कंडीशंस क्या थी। कंडीशंस पता हो तो फैसलों का तर्क समझ में आता है। भारत आजाद होने वाला है 15 अगस्त को, ये उसके कुछ समय बाद की बात है। माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल थे, नेहरू PM थे, और पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल बनाया जिन्ना साहब को। लेकिन अंग्रेजों ने एक सफाई क्या दिखाई, दोनों देशों की सेनाओं को अपने कंट्रोल में रखा संक्रमण काल के लिए, ताकि ये दोनों देश अचानक युद्ध न कर बैठे। तो भारत की सेना का संचालन भी अंततः एक ब्रिटिश कमांडर के हाथ में था, और पाकिस्तान की सेना भी अंततः ब्रिटिश कमांडर के हाथ में थी। और ये जानबूझ के किया था, मेरे ख्याल से ठीक ही किया था, वरना युद्ध ज्यादा होते। माउंटबेटन समझदार आदमी थे, उनको लग गया था कि 15 अगस्त तक जो रियासतें फाइनल नहीं करेंगी उनमें युद्ध होंगे।
तो माउंटबेटन ने देखा कि तीन चार जगह दिक्कत ज्यादा है, जूनागढ़ में, हैदराबाद में, उनको लगा ये मैनेज हो जाएगा। कश्मीर अकेली रियासत थी जो बॉर्डरिंग स्टेट था, बॉर्डर स्टेट था। पाकिस्तान का सपना देखने वालों के सपने में जब भी सपना देखा उसमें पाकिस्तान में उनको कश्मीर दिखता ही दिखता था। उनका हमेशा से था कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और ये जो है अपना कश्मीर, ये सारा मिल जाए तो पाकिस्तान का मुकम्मल नक्शा बनेगा, ये उनकी राय थी। भारत इस मामले में थोड़ा सा सहज था उस समय। माउंटबेटन के मित्र थे राजा हरि सिंह, मित्र थे मतलब परिचित थे, ऐसा नहीं कि दोनों सास पे कंचे खेलते थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन परिचित थे, मिलना जुलना होता था। तो जब माउंटबेटन को लग गया कि मामला फंसेगा, तो जून 1947 में माउंटबेटन हरि सिंह के पास गए श्रीनगर। हरि सिंह वहां के राजा थे, डोगरा वंश के आदमी थे, जो कर्ण सिंह अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे उनके पिता थे। हरि सिंह वैसे ही राजा थे जैसे राजा आमतौर पर होते हैं, प्रजा से कोई मतलब नहीं, अपने शौक पूरे करने में लगे रहना, शिकार करने में लगे रहना। जब कोई पूछे तो राजा जी कहाँ गए, शिकार पे गए हैं। शिकार पे नहीं गए हैं तो कहाँ गए, मुंबई में रेस कोर्स में रेस पे जुआ खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे राजा थे, राजा आमतौर पर सारे ही ऐसे थे, वो भी ऐसे ही राजा थे, जनता से खास मतलब नहीं था। ये पहुंचे माउंटबेटन उनके पास, उन्होंने कहा कि राजा जी 15 अगस्त से पहले फैसला कर लीजिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। यहां तक हिंट किया कि अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो भारत ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, यदि आप भारत में आएंगे तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, लेकिन उस झगड़े को मैनेज किया जा सकता है भारत की ओर से, कोई बड़ी बात नहीं है। हरि सिंह ने कहा कि और अगर मैं कहीं ना जाना चाहूं, स्वाधीन रहना चाहूं तो? माउंटबेटन ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, पर व्यावहारिक समझ ये कहती है कि चल नहीं पाएगा, दो विरोधी देशों के बीच में जो फंसेगा वो स्वतंत्र रह नहीं पाएगा, ये सामान्य इतिहास यही कहता है। हरि सिंह कन्विंस नहीं हुए, अंत में तय हुआ, उस समय दो तीन लोग और भी थे, हरि सिंह से माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, आपसे मिलते हुए जाऊंगा। सुबह माउंटबेटन फिर पहुंचे उनके महल में और कहा कि उन्हें बुलाइए, बात करनी है। हरि सिंह की एक खास अदा थी, जब वो नहीं मिलना चाहते थे एक चिट्ठी भेजते थे कि मेरे पेट में दर्द है, तो उनके एक अधिकारी ने चिट्ठी ला के दी, इसमें लिखा था कि साहब के पेट में दर्द है, अभी नहीं मिल पाएंगे। वही पेट का दर्द बाद में सिर का दर्द हुआ, नहीं मिले उस दिन हरि सिंह, माउंटबेटन को लौटना पड़ा। ये बात जून की है जिसके केवल 2 महीने बाद भारत स्वाधीन होने वाला था। हरि सिंह टालते रहे कि मैं फैसला ना करूं। उधर उस समय कश्मीर में एक खास फिनोमिना दूसरा भी था, हरि सिंह हिंदू थे, जनता मुस्लिम ज्यादा थी। अगर आप पूरे कश्मीर को मिला लें, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी उसका हिस्सा मान लें, तो उस समय आबादी का ठीक ठाक हिस्सा 70% से कुछ ज्यादा हिस्सा मुस्लिम्स का था। इस वजह से जिन्ना मान के चल रहे थे कि कश्मीर हमें मिलेगा, और भारत का स्टैंड यह था कि भारत तो सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदू है कि मुसलमान है, कोई भी हमारे देश में आ सकता है। तो भारत का स्टैंड यह था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू मुसलमान कोई भी आ सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान को लगता था कि मुसलमान यहां ज्यादा है तो हमें मिलेगा। एक व्यक्ति उस समय हुआ शेख अब्दुल्ला, जिसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, जिनका पुत्र उमर अब्दुल्ला है। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ के गए, MSc करके गए, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, वो किसी अब्दुल्ला के बेटे नहीं थे, समझिए मैं बात का मतलब, अब्दुल्ला के बेटे थे लेकिन पॉलिटिक्स मेरी फैमिली से नहीं थे। इतना पढ़ा लिखा होनहार व्यक्ति था, जब जम्मू कश्मीर गया जहां का वो था, उसने वहां नौकरी चाहिए तो नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हैं कि नौकरी उस समय वहां पर हिंदुओं को ही मिलती थी, क्योंकि शासक हिंदू था, वो मुसलमानों को बहुत अच्छी नौकरी देने से बचता था। इससे शेख अब्दुल्ला नाराज हो गए, पढ़े लिखे थे, बोलना अच्छे से आता था। उन्होंने कश्मीर वैली में आंदोलन चलाया राजा के खिलाफ, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। यहां भारत छोड़ो चल रहा था, वहां कश्मीर छोड़ो चल रहा था। और वो इतने अच्छे वक्ता थे कि देखते ही देखते जनता उनके साथ में आने लगी, और वो इतने पॉपुलर हो गए वैली में, कश्मीर घाटी में, जम्मू में नहीं, लद्दाख में नहीं, वैली में इतने पॉपुलर हो गए
कि लोगों ने उनको अपना एकमात्र नेता जैसा मानना शुरू कर दिया, और उनका एक ही स्टैंड था कि ये व्यक्ति यहां से हटना चाहिए, राजा हरि सिंह, लोकतंत्र होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। और मजे की बात है कि शेख अब्दुल्ला समाजवादी भी था, सोशलिस्ट था, सेकुलर आदमी था, उसने मुस्लिम लीग को लगभग नफरत की निगाह से देखा। जिन्ना ने बहुत कोशिशें की कि कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए शेख अब्दुल्ला को मिला लें, शेख अब्दुल्ला का सिंपल स्टैंड था कि मुस्लिम लीग से बात तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू मुसलमान बांट के नहीं देखना है, हमें कश्मीरियत पर काम करना है। वो पॉपुलर हो गया। एक ऐतिहासिक संयोग यह भी है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोस्त थे। मैं इतना ही कह रहा हूं, इसके आगे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती में कहा ले जा कश्मीर, ऐसा नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। दोस्त इसलिए थे कि दोनों समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे, और क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में बहुत लोकप्रिय था, इससे नेहरू को लगता था कि जनता की सरकार बनेगी तो बेहतर होगा, राजा की सरकार बेहतर नहीं होगी। इन्हीं सब कंफ्यूजन के बीच 15 अगस्त 1947 हो गया, भारत आजाद हुआ। उस समय तक ना जूनागढ़ का फैसला हुआ, ना हैदराबाद का फैसला हुआ, ना कश्मीर का फैसला हुआ, बाकी सबके फैसले हो गए। अब पटेल की जिम्मेदारी इन तीन की थी। सबसे पहला स्टैंड जो लिया जूनागढ़ ने लिया, और 15 सितंबर 1947 को एक्सेशन कर लिया पाकिस्तान के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर उपलब्ध है, मैं सबके प्रिंट आउट भी ले आया हूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि विलय पत्र क्या था, जूनागढ़ के राजा ने क्या विलय किया था। अब 15 सितंबर को विलय किया तो ये कैसे विलय, जब सब हिंदू लोग रहते हैं तो कैसे विलय को मान लेंगे। पटेल ने स्टैंड लिया कि हम इस विलय को नहीं मानेंगे। जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने विद्रोह किया तो वहां का जो राजा था वो भाग गया पाकिस्तान, और वहां का जो दीवान था, दीवान का मतलब समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री ऐसी भूमिका में जो व्यक्ति था, वो दीवान वो था जो जुल्फिकार भुट्टो के पिता थे, शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के दादा, बिलावल भुट्टो के मम्मी के पापा शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो समझ गया कि मामला चलेगा नहीं, फिर उसने पत्र लिखा भारत सरकार को कि हमें लगता है कि आबादी को देखते हुए जूनागढ़ आपका ही होना चाहिए, भारत का ही होना चाहिए, कृपया आए और कागजी कार्रवाई पूरी कर ले। पटेल को लगा कि अगर ऐसे ही लेंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरदस्ती ले लिया था, तो ये तय हुआ कि नहीं, जनमत संग्रह करवाएंगे, प्लेबिसाइट करवाएंगे। ये स्टैंड भारत का था, प्लेबिसाइट करवाएंगे। वहां प्लेबिसाइट हुआ 1948 की शुरुआत में, जनवरी में हुआ, और जनवरी 1948 में जो प्लेबिसाइट हुआ उसमें 99% से ज्यादा वोट भारत के पक्ष में पड़े, तो स्वाभाविक था कि जूनागढ़ भारत का होगा। वो भारत में आया, सौराष्ट्र में उसको मिलाया, और जब राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ तो गुजरात राज्य का हिस्सा उसको बना दिया, मतलब 56 में बंबई का हिस्सा, और 1960 में जब गुजरात अलग हुआ तो गुजरात का हिस्सा इसको बना दिया। ये इसका इतिहास है। 15 सितंबर 1947 और जनवरी 1948 के बीच में कश्मीर का इशू आया, आप रेफरेंस के रूप में इसको ध्यान रखिएगा। और इसी समय हैदराबाद का जो नवाब है वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, वो और मतलब बेवकूफ इंसान एक सेंस में था। अब सोचिए, ये हैदराबाद की रियासत इस इलाके में थी, बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद की उस समय के। हैदराबाद में कर्नाटक का हिस्सा भी ठीक ठाक था, महाराष्ट्र का हिस्सा भी काफी था, आंध्र प्रदेश का भी काफी हिस्सा था जो तेलुगु भाषी हिस्सा था, ये पूरा बड़ी रियासत उसके पास थी। और ये साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान इधर भी था उधर भी था, जो बांग्लादेश हो गया बाद में उसमें मिलेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती कि हर के पास हो। वो अड़ा हुआ कि पाकिस्तान में मिलना है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हाँ हाँ चिंता मत करो, आप बस साइन करो, हम आएंगे। कहां से आओगे आप? पाकिस्तान ने हमारा हवाई स्पेस बंद किया हुआ है, तो हम कहां से घूम के जा रहे हैं? दिल्ली से दुबई जाना हो तो इस समय गुजरात होकर जाना पड़ता है, हवाई जहाज दुबई के पास से मतलब गुजरात के पास से निकलते हैं समुद्र की तरफ, और फिर पाकिस्तान को छोड़ते हुए साइड से दुबई पहुंचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत को नहीं दे रखा है इस समय। अगर भारत एयर स्पेस न देता तो पाकिस्तान का एक भी विमान हैदराबाद में कैसे आता? कम से कम हैदराबाद में आने के लिए कहीं ना कहीं तो भारत का एयर स्पेस आता ही बीच में।
लेकिन उसके बाद भी उसकी जिद थी। पटेल ने समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, समझो बात को, गाजर खा लो, एक और गाजर खा लो, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। जब उसने कश्मीर की सिचुएशंस को देखी तो उसने नवंबर 1947 में क्या किया, भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया, इसको बोलते हैं स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम अगले एक साल तक ना हम कुछ करेंगे ना आप कुछ कीजिए, यथास्थितिवाद रहेगा, जो स्थिति है अभी वही स्थिति रहेगी, उसमें कोई चेंज आप भी मत कीजिए, हम भी नहीं करते, इस तरह से मैनेज करेंगे। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है भाई, तुम एक साल सोच लो आराम से, सोचने के बाद फैसला करना। पटेल को यह भी लग रहा था कि ठीक है टाइम मिल गया, तब तक मैं बाकी को निपटा लेता हूं, फिर इसको निपटाऊंगा बाद में आराम से। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो घटना घटी वो है जम्मू और कश्मीर की। अब इस रेफरेंस में इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 15 अगस्त हो गया, कोई फैसला नहीं हुआ, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही थी, उसको कश्मीर के बिना पाकिस्तान का नक्शा अधूरा अधूरा दिख रहा था, जिन्ना एडमेंट थे कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर का राजा ढुलमुल कुछ बोले ही नहीं, जिन्ना मिले तो हाँ सोचेंगे, ये मिले तो सोचेंगे, वो डरा क्यों हुआ था, उसको लगा कि भारत में मिला तो नेहरू लोकतंत्र और समाजवाद के समर्थक हैं, लोकतंत्र लाके मानेंगे और मेरा शासन चल नहीं पाएगा, शासक बनेगा शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला से वो इतना गुस्से में रहता था कि शेख अब्दुल्ला के आंदोलन की वजह से उसे शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा रखा था। शेख अब्दुल्ला 1946-47 में गिरफ्तार थे, जेल में थे, राजा ने गिरफ्तार करवा रखा था। अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहता तो क्या चिंता थी कि पाकिस्तान इस्लामी शासन है, इस्लामी शासन में हिंदू राजा चल नहीं पाएगा, तो उनका इस्लामीकरण इसको नहीं छोड़ेगा, भारत का लोकतंत्रीकरण राजशाही को स्वीकार नहीं करेगा। वो चाह रहा था कि मैं राजा बना रहूं, जो कि संभव था नहीं उस दौर में, तो चुप रहा। इधर पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई, बड़ी गलती हुई, जिसकी सजा उसने भुगती, और हम थोड़ा और समझदार होते हम शायद ज्यादा फायदे में होते। 20 अक्टूबर 1947 का प्रसंग है ये। इस प्रसंग का वर्णन अगर आपको ठीक से पढ़ना हो, मैंने जो सोर्सेस पढ़े हैं इसके लिए, एक तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, इन दोनों में जो जो प्रसंग कश्मीर के बारे में है अलग अलग चैप्टर्स में, उन सबको मिला के पढ़ेंगे तो आपको एक मुकम्मल तस्वीर समझ में आएगी। ऐसे ही एमजे अकबर की एक किताब कश्मीर के बारे में है, कश्मीर बिहाइंड द वेल ऐसा कुछ है। एक किताब बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, एक उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं अभी, वो है कश्मीर 1947 वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें यह बताया कि 1947 में जो घटनाएं घटी उनकी अलग अलग व्याख्याएं क्या क्या हैं, और एक एक दिन की घटनाएं, एक एक घंटे की घटनाएं बता रखी हैं। और एक एजी नूरानी हैं जिन्होंने भी कहा है कि सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। अभी तो ये भी डिबेट है ना कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेने वाला है। जो सरकार के समर्थक कानूनविद हैं वो सब कह रहे हैं कि एकदम ठीक है, जैसे आप मुकुल रोहतगी से पूछें तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, या सुभाष कश्यप से पूछें एकदम शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे एजी नूरानी से वो कहेंगे असंवैधानिक है, अभिषेक मनु सिंघवी असंवैधानिक है, कपिल सिब्बल असंवैधानिक है। तो संवैधानिक है या नहीं ये भी डिपेंड करता है आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर तय होता है। और जिन वकील ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, क्या नाम था उनका, हरीश सालवे, हाँ हरीश सालवे ने भी कहा कि संवैधानिक का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नेचुरल है, सही है। पाकिस्तान को लगा कि अगर हम हमला करते हैं कश्मीर पर तो ये बात इस तरह से आएगी कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है इसलिए हमारा स्टैंड कमजोर हो जाएगा। लेकिन जूनागढ़ को देख चुके थे, जैसी जनता विद्रोह करती है तो उसके बाद वो बात माननी पड़ती है जो जनता कह रही है, चाहे शासक ने कुछ भी कर दिया हो। और जिन्ना को भरोसा था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में है, तो जिन्ना ने सोचा कि हम सैनिक अभ्यास नहीं करेंगे, अपनी ही सेना के एक सीनियर व्यक्ति अकबर खान को ये जिम्मा दिया गया, और अकबर खान ने वजीरिस्तान के ट्राइबल मुस्लिम्स की एक फौज को, जिसको आजाद कश्मीर सेना कहते हैं, आजाद कश्मीर फौज कहते हैं, उसको तैयार किया। पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे लोग असैन्य वेशभूषा में शामिल हुए,
ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, ये बात पाकिस्तान ने यूएन के सामने मानी थी बाद में, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और 20 अक्टूबर को करीब 10,000 लोगों की सेना वजीरिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां से निकली और श्रीनगर की ओर बढ़ी ट्रकों में, बहुत सारे ट्रक उन्होंने लिए, 1,000-2,000 ट्रक, उनमें वो सब लोग निकलना शुरू हुए। इसके बारे में पता चला हरी सिंह को, हरी सिंह को पता नहीं क्यों बहुत भरोसा था अपनी सेना पर, उसने कहा कि देखो मेरी सेना जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। हरी सिंह के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह जो शहीद हुए इस युद्ध में, उन्होंने कहा कि हुजूर एक बात का ध्यान रखिए, आपकी सेना में 50-60% लोग जो सैनिक हैं सिपाही हैं वो मुसलमान हैं, वो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, लेकिन अगर उस सेना ने उनको ये प्रलोभन दिया कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे, तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो ये खतरा है कि वो उनके पक्ष में चले ना जाएं, क्योंकि सैनिक बहुत गरीब होता है और ऐसे लालच आराम से नहीं छोड़ सकता है। हरि सिंह को लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हरि सिंह ने कहा ठीक है युद्ध करते हैं, मैं चलता हूं। राजेंद्र सिंह के मन में भाव आया कि अरे भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो इस बात को। कहा कि आप रुकिए, हम देखते हैं, चिंता मत कीजिए। ये सेना अगले एक दो दिन में मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद का मतलब जो अभी आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है ना, पीओके, जो पीओके की राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, जो श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एबीपी न्यूज पे एक प्रोग्राम आया था प्रधानमंत्री सीरीज थी, उसका थर्ड एपिसोड जो है मैंने उसमें से भी कुछ तथ्य लिए हैं, बड़ी अच्छी रिसर्च है उनके भी, ज्यादा तथ्य मैंने लिए हैं जो दो पुस्तकें बताई हैं उनमें से कुछ तथ्य वहां से भी लिए हैं। मुजफ्फराबाद वो पहुंच गए, अब सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर है और वो सब हथियारबंद लोग थे। अब राजा को घबराहट होने शुरू हुई कि कैसे मैनेज करें, और वो चाह नहीं रहा था कि मैं भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनूं, तब तक भी नहीं चाह रहा था। अगले दिन ये लोग और आगे बढ़ते बढ़ते उरी के पास पहुंचने वाले थे, जिस पर फिल्म आई है अभी हाउस द जोश, वही वाली। उरी का मतलब हुआ कि श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी, ये बात है 23 अक्टूबर की। और राजा को अब लगने लगा कि मामला बिखरेगा, और सबसे रोचक बात, यहां आते आते राजा की सेना के मुस्लिम सैनिकों के बड़े हिस्से ने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसकी चिंता राजेंद्र सिंह को थी, पहले से थी। तब राजेंद्र सिंह ने कहा कि अब आप छोड़िए, हम मैनेज करते हैं, आप यहां से भागिए। राजा को श्रीनगर से जम्मू भगाया गया, और राजा ने पहले दिल्ली फोन किया कि मुझे बचा लीजिए, तो दिल्ली से वीपी मेनन गए श्रीनगर, तब श्रीनगर से जुड़ने का एक ही संपर्क था, हवाई संपर्क, कोई सड़क नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। मेनन ने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं, उसने कहा मैं फंस गया हूं, मुझे बचाइए। तो उनका कि ठीक है मैं बात करता हूं दिल्ली जाके। मेनन दिल्ली आए, मीटिंग में पटेल, नेहरू, माउंटबेटन सब बैठे हुए थे। मेनन ने बताया कि राजा ने गुहार लगाई है। अच्छा, नेहरू पटेल शायद हेल्प कर भी देते, माउंटबेटन ने स्टैंड लिया कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, हम सैन्य सहायता कैसे दे सकते हैं, और यदि वो भारत का हिस्सा नहीं है फिर भी आप सेना भेजते हैं, इसका मतलब आप अभी अभी आजाद हुए और अभी से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ने लग गया। 47 की बात है, 45 में यूएन बना है, दुनिया भर को उम्मीद है कि यूएन से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध रुकेंगे, यूएन की उस समय ख्याति बहुत ज्यादा थी। यूएन बनाने वाले देशों में से एक देश का प्रतिनिधि माउंटबेटन था, तो उसने कहा कि युद्ध लड़ना ठीक नहीं है, हाँ अगर कश्मीर भारत का हिस्सा होता तब उस पर हमला होता तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी। तो वीपी मेनन वापस लौटे और बताया कि ऐसी स्थिति है। इस बार राजा ने अपने प्रधानमंत्री को, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुए मेहरचंद महाजन, वो उससे पहले कश्मीर के पीएम थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, धर्मशाला अगर आप कभी जाएंगे तो वहां उनका बहुत अच्छा घर है। मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन ने राजा से बात की कि ऐसे बात नहीं बन पाएगी, और तब अंत में राजा तैयार हुआ इस चीज के लिए कि एक सेशन करेंगे। तैयार भी कब हुआ, उरी पहुंच चुकी है सेना, मतलब उनकी सेना,
राजेंद्र सिंह के पास एक ही तरीका था कि उरी में या उड़ी में एक पुल था, वो अकेला रास्ता था श्रीनगर जाने का। राजेंद्र सिंह ने उस सेना के पहुंचने से कुछ घंटे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया। अब उस पुल के ध्वस्त होने के बाद कश्मीर की सेना वहां नहीं जा सकती, वो सेना यहां नहीं आ सकती। इस वजह से 2 दिन आजाद कश्मीर सेना को रुकना पड़ा उरी में मैनेज करने के लिए कि हम कैसे क्रॉस करें इस रिवर को। वो 2 दिन ना मिलते तो कश्मीर पर विवाद हो ही नहीं रहा होता, तो सीधे सीधे पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होता। इसी प्रोसेस में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। पर वो 2 दिन दिलवा गए कश्मीर को, उन 2 दिनों ने कश्मीर को बचा लिया। अब ये लोग इतने शैतान बुद्धि के लोग थे, मतलब जंगली किस्म की हरकतें कर रहे थे उस समय। इनको आना था कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था, लेकिन वो कबायली लोग थे। जैसे ही उड़ी को पार किया, अगले दिन यानी के 25 अक्टूबर को 2 दिन के गैप के बाद ये पहुंच गए बारामूला। बारामूला की घटना इनमें से हर पुस्तक में, टीवी चैनल में, सब में विस्तार में बताई गई है। ये इतने बड़े भूखे भेड़िए थे, इतने हिंसक किस्म के लोग थे कि बारामूला पहुंचकर ये एकदम अराजकता की स्थिति में आ गए और वहां की हजारों स्त्रियों का बलात्कार किया, गैंगरेप किया। ईसाई हॉस्पिटल से, कुछ मिशनरीज के हॉस्पिटल से, स्कूल से, उनकी जो टीचर्स थी, नंस थी, उन सब से गैंगरेप हुए, हत्याएं हुई। हिंदू और ईसाई औरतों के साथ जो किया वो किया, मुसलमान औरतों के साथ भी बलात्कार किए। और बारामूला की वो त्रासदी आज तक बारामूला के लोग याद करते हैं, कहते हैं कि जनसंख्या 1/3 बची बारामूला की उस समय, इतना कत्लेआम मचाया इन लोगों ने। और ये सब राजा को खबर मिल रही थी, राजा जम्मू चला गया था पर खबर तो मिल ही रही थी। और बारामूला से श्रीनगर की दूरी है 50 किलोमीटर दूर। 26 अक्टूबर को यह सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी और 26 अक्टूबर की शाम तक, लगभग रात होते होते, श्रीनगर को घेर लिया पूरा का पूरा। और अभी तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है, राजा जम्मू में है। वीपी मेनन रुक गए थे श्रीनगर में सिचुएशन देखने के लिए, 25 अक्टूबर को उनको भी भागना पड़ा वहां से मेहर सिंह महाजन के साथ। और राजा ऐसा था कि सारी कारें खुद ले गया था, एक खटारा जीप बची थी उसमें बेचारे दोनों लोग, मेहर सिंह महाजन भी और वीपी मेनन भी भागे उस जीप से, एयरपोर्ट पहुंचे किसी तरह से, रोते पीटते फिर बचे। इधर माउंट बेटन अड़े हुए हैं कि एक्सेशन के बिना बात नहीं बनेगी। अंत में वीपी मेनन और मेहर सिंह महाजन दिल्ली आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके वापस जम्मू गए और राजा से कहा, 26 तारीख की बात है, राजा से कहा कि अब कश्मीर को बचाने का अकेला उपाय है कि आप इस पर साइन कर दें, क्योंकि कल सुबह कश्मीर, मतलब श्रीनगर में तबाही मचने वाली है। बारामूला बर्बाद हो चुका है, श्रीनगर सेना पहुंचने वाली है, आज आखिरी रात है वरना कल तबाही हो जाएगी 27 अक्टूबर को। तो राजा ने उस पर साइन कर दिया और साइन होते ही ये दोनों पहुंचे दिल्ली वापस। और राजा उस रात को सोया 26 अक्टूबर को, बहुत प्रसिद्ध कथन है उसका, इतिहास में जिक्र आता है इसका, उस टीवी सीरियल में भी और हर जगह जिक्र आता है। जब सोने गया तो अपने एडीसी को अपनी पिस्तौल निकाल के दी और कहा कि अगर सुबह ये खबर ना मिले कि भारतीय हवाई जहाज श्रीनगर पहुंच गए हैं तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना, मैं उठना नहीं चाहता हूं। ये कह के पिस्तौल दे के सोया 26 अक्टूबर की रात को साइन करने के बाद। अब जो लोग कश्मीर की आजादी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि राजा ने कंडीशनल तरीके से हाँ बोला था। ये बात सही भी है, आप उस विलय पत्र को अगर पढ़ें, मुश्किल से 2 पेज का विलय पत्र है, लेकिन उसकी भाषा सच में ऐसी है कि देख के लगता है कि वो कंडीशनल था। एक तो ये लोग अपना नाम इतना निबंध जैसा लिखते थे ना, उसने नाम क्या लिखा शुरू में, मैं श्रीमान इंदर महिंदर राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू एवं कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का शासक, ये उसका नाम है। इतने में निबंध पूरा हो जाता यूपीएससी में, देखिए ये उसका नाम था।
ऐसे ऐसे करता हूं कि फिर कई कंडीशंस है कि मैं सहमति दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात का कोई संविधान मानूंगा आपका, इसका मतलब ये नहीं कि बात का कोई एक्ट आपका मानूंगा। हम केवल चार चीजें या तीन चीजें आपको दे रहे हैं, डिफेंस, विदेशी मामले, संचार और आनुषंगिक का मतलब इन्हीं से जुड़ी हुई और चीजें जो हैं, इसके अलावा बाकी सब हमारा रहेगा, हम और कुछ नहीं दे रहे आपको, ये सब लिखा हुआ विलय पत्र में। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा देख के लगता है कि जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन करने से पहले एंश्योर किया था कि हमारी आजादी बची रहे। इस पर तथ्य यह है कि 565 रियासतों ने जो विलय पत्र साइन किया, सबकी भाषा 100% समान है, यही भाषा है। और मजे की बात है कि एक विलय पत्र टाइप हुआ था, बाकी उसकी फोटोकॉपी थी सारी की सारी। फोटोकॉपी का मतलब ठीक वही चीज, अब फोटोकॉपी हुआ कि फिर से टाइप हुआ पता नहीं क्या हुआ, बीच में खाली स्थान थे, उन खाली स्थानों में भरना होता था राजा को अपना नाम और अपने साइन करने की डेट, इतना ही मामला था, इसके अलावा कोई मामला था ही नहीं। अगर आप देखना चाहें कि जम्मू कश्मीर के राजा का विलय पत्र क्या है, ये विलय पत्र है, सारा टाइप किया हुआ है, यहाँ वो निबंध है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नाम है 2.5 लाइन का नाम पूरा का पूरा, विलय पत्र टाइप किया हुआ पूरा का पूरा। इसके बाद अंत में केवल साइन करना है और डेट लिखनी है, डेट लिखी है 26 अक्टूबर 1947, और 47 में टाइप किया हुआ क्योंकि सबने 47 में किया था, केवल डेट 26 अक्टूबर नीचे साइन किया हुआ है। 26 अक्टूबर की रात को जब दिल्ली पहुंच गए ये लोग, तो पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, इनकी मीटिंग हुई। पटेल और नेहरू का स्टैंड ये था, सेम स्टैंड था कि हमें जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए, सैन्य सहायता देनी चाहिए, अब तो भारत का हिस्सा बन गया। अच्छा, भारत का हिस्सा बनने का मतलब विलय पत्र पर वो साइन करे, उसके बाद माउंटबेटन भी साइन करे, तब होगा पूरा, तब तो पूरा नहीं होगा। माउंटबेटन कह रहे हैं कि इस समय सैन्य हस्तक्षेप ठीक नहीं रहेगा। नेहरू थोड़ा विनम्र रहते थे, पटेल गुस्से में आ जाते थे। पटेल ने कहा क्यों ठीक नहीं रहेगा, उस बेचारे ने साइन करके भेजा है, खत्म होने वाला कश्मीर, क्यों ठीक नहीं रहेगा। तो माउंटबेटन ने सेना के प्रमुख को बुलाया जो ब्रिटिश आदमी था, उसने कहा रिसोर्सेस कम है, अभी अभी आप आजाद हुए हैं, कैसे मैनेज करेंगे, संसाधन कम है। पटेल ने कहा संसाधन देख लेंगे बाद में, अभी आप बचाओ कश्मीर को। अरे चार दिन भूखे रह लेंगे, ऐसा क्या है, करो ना, उसको तो बचाओ। अंत में तय हुआ, माउंटबेटन ने कहा ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। और 26 की आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद 27 तारीख सुबह इस पर साइन किए माउंटबेटन ने, और अपनी हैंडराइटिंग से डेट लिखी है 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया, यानी एक्सेशन 27 अक्टूबर को पूरा हो गया। जैसे ही पूरा हुआ, सुबह सुबह दिल्ली के पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़े श्रीनगर जाने के लिए। आप देखिए फिल्मी सीन एकदम, श्रीनगर के आसपास आजाद कश्मीर सेना है, वहशी सेना है जो बारामूला में मतलब अराजकता मचा के आई है। श्रीनगर के सारे परिवार इस खौफ में है कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक उस समय भारतीय सेना वहां पहुंची है, और इस बीच में नेहरू के दबाव में राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया था जेल से, वो जेल से बाहर आ चुके थे, ये जून 1947 की बात है। और जब वो जेल से बाहर आ गए, बहुत रोचक बात है, भारतीय सेना का वहां स्वागत करने से लेकर उसकी हेल्प करने का काम शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला किसी भी हालत में पाकिस्तान की उस सेना के समर्थन में नहीं था। उसके मन में स्पष्ट था कि अगर मिलना है तो भारत से ही मिलना है, किंतु लोकतंत्र की शर्त पर मिलना है, राजशाही नहीं चलने दूंगा, ये उसके दिमाग में था। और राजशाही से हमें भी क्या लगाव था, ऐसा क्या लगाव था हमें कि राजा ही वहां पर काम करे। शेख अब्दुल्ला और उसकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी आज भी आप देखते हैं, उसने बनाई थी, शेख अब्दुल्ला नहीं, उस पार्टी ने मदद की और धीरे धीरे श्रीनगर को खाली करवाया, युद्ध आगे बढ़ने लगा। 27 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदली। उधर जिन्ना के पेट में दर्द हुआ इस बात से, जिन्ना ने अपने सेनापति को बुला के कहा कि युद्ध करो भारत के खिलाफ। उस कमांड के जो प्रमुख थे उनका नाम था जनरल ग्रेसी, जो कि ब्रिटिश थे, जनरल ग्रेसी ने उनके लिखित आदेश को खारिज कर दिया कि जब तक हमें अपने सुप्रीम कमांडर से आदेश नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते।
और सुप्रीम कमांडर कौन थे, वो भी एक ब्रिटिश थे। मैंने कहा ना कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर्स ब्रिटिश थे उस समय। उनका नाम था जनरल ओकिन लेक, जो उस समय पाकिस्तान की पूरी सेना के कमांडर थे। जिन्ना ने ओकिन लेक से बात की, जिन्ना गवर्नर जनरल थे, बड़ा पद था उनके पास। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना को आप आदेश दीजिए कि युद्ध करे और भारत की सेना से खाली करवाए, और हम इस एक्सेशन को नहीं मानते, विलय को नहीं मानते, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती से हुआ है। उनके दिमाग में जूनागढ़ चल रहा था, जूनागढ़ उसी समय का एग्जाम्पल था। ओकिन लेक ने कहा कि हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं विलय पत्र पर और वो भारत का हिस्सा हो गया। यदि पाकिस्तान की सेना भारत पे हमला करती है, कश्मीर पे हमला करती है, यानी भारत पे हमला करती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा, और हमारे देश की नीति है कि हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, वहां की सेना के कमांडर भी ब्रिटिश हैं, यहाँ के ब्रिटिश हैं, तो अल्टीमेटली ये युद्ध ब्रिटेन का ब्रिटेन से युद्ध हो जाएगा, और आपके चक्कर में हम अपने रिसोर्सेस क्यों खराब करेंगे, अपने व्यक्ति क्यों मरवाएंगे। पूरी कोशिश के बाद भी जिन्ना युद्ध नहीं करवा पाए, मन महसूस के रह गए। और तब जिन्ना ने दूसरा जो तरीका अपनाया वो ये कि भारत सरकार को कहा, माउंटबेटन से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप, मैं और नेहरू मिलें और इस मुद्दे पर बात करें, आप लोग लाहौर आइए, हम लाहौर में इस पर डिस्कशंस करते हैं। फिर मीटिंग हुई, उसमें पटेल भी मौजूद थे। माउंटबेटन और नेहरू की इच्छा थी कि वो चले जाए लाहौर। इसमें एक बात और भी, माउंटबेटन ने साइन करने से पहले एक बात कही थी कि जब वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो बेहतर होगा कि वहां प्लेबिसाइट करवाया जाए, वहां की जनता की राय जान ली जाए, और यदि जनता की राय है भारत के पक्ष में तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो मजबूरी वाला मामला है ना, अंततः जनता की राय से फैसला होना चाहिए। ये माउंटबेटन ने कहा था, आदेश नहीं दिया था, राय व्यक्त की थी। जैसे ही नेहरू और माउंटबेटन को बुलाया जिन्ना ने, पटेल अड़ गए। पटेल बोले कि हम वहां क्यों जाएंगे, युद्ध उन्होंने किया, बुला भी हो रहे हैं, पहली बार तो उनसे बात ही क्यों करें, और अगर बात करने की जरूरत होगी ही तो वो यहां पर आएंगे, हम क्यों जाएंगे। नेहरू का यह था कि यार क्या फर्क पड़ता है इसमें, क्या क्यों पंगा मोल लेते हो, चलो ना बात करने में क्या जा रहा है। लेकिन पटेल बहुत फ्यूरियस थे कि नहीं, वो तो नेहरू जी को नेहरू जी नहीं बोलते थे ना, नेहरू बोलते थे, 14 साल छोटे थे नेहरू जी, कि नेहरू ठीक नहीं होगा। तो नेहरू जी चुप हो गए, उनका स्वास्थ्य उस समय थोड़ा खराब था, इसलिए वो वैसे भी नहीं जा पा रहे थे। फाइनली 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन पहुंचे लाहौर, जिन्ना और उनकी मीटिंग हुई। जिन्ना ने कहा कि हम इस विलय को स्वीकार नहीं करते। माउंटबेटन ने कहा आपके नहीं करने से क्या होता है भाई, विलय पत्र मैंने साइन किया है, हरि सिंह ने साइन किया है, उसके बाद ये तो हो गया ना विलय। जिन्ना ने कहा कि जैसे जूनागढ़ को लेके भारत ऐसे कह रहे कि जनता की राय मानी जाएगी, तो यहां भी जनता की राय होनी चाहिए। माउंटबेटन ने कहा कि उस पर तो हमारी बात चल रही है, जब शांति व्यवस्था कायम होगी उसके बाद देखेंगे। ये सब चल ही रहा था 1 नवंबर को लाहौर में। इधर 2 नवंबर को नेहरू जी ने एक भाषण दिया भारत में, और वो भाषण एक टर्निंग पॉइंट था। और उस भाषण में नेहरू जी ने खुद ये कहा कि जैसे ही शांति कायम होगी हम जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाएंगे और जनता की राय से ही फैसला करेंगे। कहते हैं कि इसके बाद से चीजें हमारे हाथ से निकल गई। अब ये आपको तय करना है कि नेहरू जी देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे या नेहरू जी अपने आदर्शवाद से उलझे हुए थे, ये तय करना बाकी है। मेरा ख्याल है कि वो आदर्शवादी आदमी थे, उनको लगता था कि हम किसी देश पर कब्जा ना कर लें। अभी अभी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से मुक्त हुए हैं और साम्राज्यवादी बन जाएं, ये अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेजों से आजादी लेने में हमने इतने साल लगाए, करीब 100 साल खर्च किए, और आजाद होते ही हम किसी स्वाधीन जनता पर कब्जा कर ले, ये ठीक नहीं लगता है। तो उनका अपना स्टैंड था, आदर्शवादी स्टैंड था। उन्होंने कहा कि प्लेबिसाइट करवाएंगे, और ये घोषणा नेहरू ने बिना किसी सलाह किए अपनी मर्जी से की। और उसके बाद नेहरू इस पर अड़ गए कि चाहे जो हो जाए। नेहरू खुद कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे, इसलिए कश्मीर से उनका लगाव कुछ अलग किस्म का रहा भी होगा। और उसके बाद से कहते कि चीजें लगभग ये हो गई कि प्लेबिसाइट की डिमांड बीच में आनी शुरू हो गई। बहरहाल
ये युद्ध चला करीब 1.25 साल तक। नेहरू जी को बहुत भरोसा था यूनाइटेड नेशंस पे, संयुक्त राष्ट्र पे। दिसंबर 1947 में जो युद्ध चल रहा था, ये युद्ध करीब 27 अक्टूबर से 31 दिसंबर 1947 तक चलता रहा। 31 दिसंबर 1947 को नेहरू खुद यूएन पहुंचे, मतलब भारत सरकार पहुंची, और यूएन में चैप्टर 6 के तहत एक कंप्लेंट दाखिल की। ध्यान रखिए, चैप्टर 7 के तहत नहीं, चैप्टर 6 के तहत। चैप्टर 6 और 7 में अंतर यह है कि 7 के तहत कंप्लेंट का जो फैसला यूएन करता है उसको मानना कंपलसरी होता है। चैप्टर 6 के तहत जो कंप्लेंट्स की जाती हैं उन पर यूएन जो फैसला करता है उसको मानने या ना मानने की चॉइस होती है। नेहरू जी ने यह जरूर किया कि चैप्टर 6 के तहत कंप्लेंट दाखिल की। यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग की, उस मीटिंग में इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया, जिससे नेहरू बहुत दुखी हुए कि मैं जिस उम्मीद में गया था वहां तो धोखा होने लगा। 21 अप्रैल 1948 को यूएन का रिजोल्यूशन आया, संकल्प आया, जिस संकल्प के तहत दोनों देशों को सहमति दर्ज करानी थी अपनी। उस संकल्प में क्या बात थी वो आपको पता होनी चाहिए, वहां से चीजें आगे निकलती हैं। उस संकल्प के 3 हिस्से थे, 3 पार्ट्स थे। तो अगर मैं कहूं संकल्प 1948, आपने यूएन के बारे में खूब सुना होगा ना कि यूएन में क्या स्टैंड रहा भारत का। यूएन का जो रिजोल्यूशन है उसके 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वह सीज फायर ऑर्डर, यानी संघर्ष की समाप्ति का आदेश। दूसरे को बोलते हैं ट्रूस एग्रीमेंट। ट्रूस का मतलब है जिसको आप युद्ध विराम कह सकते हैं, युद्ध विराम समझौता। और तीसरे हिस्से को बोलते हैं अदर्स, अन्य बातें जो हैं वो अदर्स हैं। करीब 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें जो मूल 1-2 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या हैं। सीज फायर आदेश है और इसका मतलब है कि जिस दिन दोनों देश इसको स्वीकार कर लेंगे उस दिन लागू होगा। और इसमें यह है कि दोनों देश युद्ध को वहीं रोक देंगे, जहां रोकेंगे वहीं हम तात्कालिक रूप से नियंत्रण रेखा बना लेंगे और युद्ध को रोककर आगे विचार करेंगे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। ये तो हो गया युद्ध रोकने का आदेश। सीज फायर जो अप्रैल में रेजोल्यूशन था, सीज फायर अंततः 31 दिसंबर 1948 को फाइनल हुआ और 1 जनवरी 1949 से युद्ध रुक गया। और जिस दिन युद्ध रुका उस दिन हम जहां पर थे उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब जिस लाइन पर युद्ध विराम हुआ, संघर्ष रुका, मतलब युद्ध रुका, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये सहमति बनी कि अभी के लिए हम इसको बॉर्डर मान लेते हैं और फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यही सेकेंड पार्ट सबसे डिबेटेबल है, जो भारत के पक्ष में है। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान ने, जिन्ना ने माउंट बेटन के सामने मान लिया था कि आजाद कश्मीर सेना में हमारे सैनिक भी शामिल हैं, इस बात को पाकिस्तान को मानना पड़ा यूएन में भी, क्योंकि भारत ने प्रमाण दिए इसके पक्ष में बहुत सारे। और इस वजह से यूएन का रेजोल्यूशन का सेकेंड पार्ट ये कहता है कि चूंकि पाकिस्तान ने माना है कि पाकिस्तान के सैनिक कश्मीर की जमीन पर हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को, अपनी सेना को कश्मीर से वापस बुलाएगा। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, पाकिस्तान ने यह भी माना है कि उसके देश के बहुत सारे जनजातीय लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं, इस समय जम्मू कश्मीर के संघर्ष में शामिल हैं। पाकिस्तान व्यवस्था करेगा कि वे भी जम्मू कश्मीर छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाए। थर्ड पॉइंट में लिखा है, जब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने पहले दोनों कदम उठा लिए हैं, तब भारत सरकार अपनी सेना को पीछे लाना शुरू करेगी और कुछ समय के बाद श्रीनगर के इलाके से बाहर ले जाएगी। उसमें ध्यान रखना है, यूएन की तरफ से पहली 2 कंडीशंस पाकिस्तान पर लागू होती हैं और तीसरे में साफ लिखा है
जब आयोग भारत सरकार को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने पहली दोनों कंडीशंस पूरी कर दी हैं, तब भारत अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू करेगा, ये उसकी वर्डिंग है। और उसके बाद अदर्स में एक बात लिखी, एक तीन लाइन का एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर का अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर की जनता की इच्छा से होगा, और जब पहली वाली कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जनमत संग्रह कराया जाएगा, उससे तय होगा कि जम्मू कश्मीर कौन से देश का हिस्सा बनना चाहता है। हमारा स्टैंड एकदम स्पष्ट है। देखिए, देश के इतिहास के मामले में ना शुद्ध आदर्शवादी होने से फायदा नहीं होता है, आपको यथार्थ को भी समझना चाहिए। और जब नेहरू प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा नेहरू अच्छे से जानते थे कि जम्मू और लद्दाख भारत के पक्ष में है, कश्मीर मुस्लिम बहुल है, और कश्मीर का लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला था जो भारत के पक्ष में था, जो पाकिस्तान के पक्ष में एकदम नहीं था। जिस समय नेहरू प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे, मेरी समझ कहती है कि नेहरू 100% श्योर थे कि प्लेबिसाइट से भारत में ही आएगा। जूनागढ़ में हम प्लेबिसाइट न भी करवाते कौन रोक लेता हमें, पर हमने करवाया क्योंकि हम क्लियर थे वहां पर, हमें पता था कि करवा देंगे तो बात और पक्की हो जाएगी। नेहरू को इतना ही भरोसा उस समय कश्मीर पर था कि यहां की जनता भी भारत के पक्ष में रहेगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला बार बार ये बात कह चुके थे, और शेख अब्दुल्ला की दीवानगी उस समय कश्मीर घाटी में वैसी थी जैसी आजकल की सरकार की आजकल के देश में दिख रही है, कि लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये सरकार जो चीजें कही थी वो सब कर दी है, कुछ कुछ वैसी दीवानगी शेख अब्दुल्ला को लेकर उस समय वहां के समाज में थी। अब ये जो साइन किया दोनों देशों ने, उसके बाद सीज फायर हो गया और 1948 खत्म हुआ, और 48 खत्म होते होते ये हो गया कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, जो एक तिहाई करीब 35% हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में रह गया। ये सवा साल युद्ध चला है, 27 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक युद्ध चला है, सवा साल तक। और इस सवा साल के युद्ध में एक एक मोहल्ले को खाली करवाना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। भारत के करीब 1100 सैनिक मरे इस युद्ध में, पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मरे इस युद्ध में, और उसके बाद दो तिहाई हिस्सा हमारे पास, एक तिहाई हिस्सा उनके पास रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नेहरू जी थोड़ा सा आदर्शवाद को और कंट्रोल कर लेते और सेना को बोलते कि निपटाई दो ना यार, 2-4 महीने और लगा लो, क्या हो गया, तो बात बन जाती शायद। पर नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया होगा, उसके लिए थोड़ा सा हैदराबाद को समझिए, क्योंकि हैदराबाद में सितंबर 1948 में कुछ ऐसा हुआ जिसके एकदम बाद नेहरू जी पर यह दबाव आना शुरू हुआ। हैदराबाद में क्या हुआ था, और ये तीनों मामले आपस में लिंक्ड हैं। हैदराबाद का नवाब पता ही आपको, उसने नवंबर 1947 में क्या किया, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कर लिया, यानी एक साल तक, यानी कि नवंबर 48 तक ना आप कुछ करना ना हम कुछ करेंगे, तो भारत सरकार मान गई थी, पटेल मान गए थे। और उस समय वहां एक संगठन था MIM, जो आज भी है, MIM है मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, इसकी फुल फॉर्म है। और ये संगठन रेडिकल मुस्लिम से संगठन है जो उस समय के नवाब का साथ दे रहा था। नवाब कहते कि नवाब ने ही इसको प्रमोट किया था संगठन को, उग्रवादी संगठन, आतंकवादी नहीं, उग्रवादी, मतलब उग्र विचार वाला संगठन था। उग्रवाद आतंकवाद में अंतर होता है कि हिंसा न हो तो उग्रवाद है, हिंसा हो तो आतंकवाद है। इसी MIM से आपको पता है कि हैदराबाद के सांसद जो क्या नाम है ओवैसी साहब, इसी पार्टी से आते हैं, ये पार्टी आज भी जिंदा है। MIM का स्टैंड था कि कश्मीर जो हैदराबाद है पाकिस्तान से मिलना चाहिए, और बीच बीच में ये विचार था कि ना हो तो कम से कम आजाद रहना चाहिए, भारत का हिस्सा तो नहीं बनना है। तो वहां के नवाब ने MIM को खूब सपोर्ट किया और एक संगठन बना जिसको बोलते हैं रजाकार। रजा शब्द का मतलब होता है मर्जी, रजामंदी बोलते हैं ना, रजामंदी मर्जी, तो रजाकार का मतलब है जो क्या है, स्वैच्छिक रूप से आए हैं, वॉलंटियर्स हैं। और ये वॉलंटियर्स कौन थे, जो MIM की विचारधारा के तहत हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। इनकी संख्या 1-2 लाख के बीच में थी और ये हिंसक कार्रवाई में विश्वास रखते थे।
इन 1.5-2 लाख लोगों ने इस एक साल में स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए इतनी क्रूरताएं बरपानी शुरू कर दी, जो बारामूला में वहां हो रहा था वो हैदराबाद में वैसे ही हो रहा था। और इनके टारगेट पे कौन था? वो सब लोग जो भारत के पक्ष की बात करते थे, जिनमें हिंदू ज्यादा थे। उस समय वहां पर हिंदुओं में भी ऐसा समूह डेवलप हुआ जो खूब आक्रामक बात कर रहा था। रजाकारों ने उन व्यक्तियों को जो भारत के पक्ष में थे चुन चुन को मारा, खूब हिंसा की, कई तरह की दुर्घटनाएं वहां पर हुई। पटेल तक खबरें आती थी, नेहरू तक भी आती थी। नेहरू इस मामले में थोड़ा सा कच्चे थे, उनको लगता था कि यार पहले ही कश्मीर का मामला यूएन में चला गया है, अभी नया नया देश स्वाधीन हुआ, बदनामी हो गई कि हम कब्जा कर रहे हैं हर जगह, अच्छा नहीं लगता है, अब एक साल स्टैंड स्टिल है, कोई बात नहीं उसके बाद देखेंगे। पटेल को रोज लगता था कि काम निपटाऊं जल्दी से किसी तरह से। अंत में यहां तक कहते हैं कि पटेल ने बिना नेहरू से सहमति लिए 13 सितंबर 1948 को सेना भेज दी हैदराबाद के अंदर। चौधरी साहब थे उस सेना के प्रमुख, उनसे कहा कि जाओ जितना जल्दी निपट सके निपटा के आओ। उम्मीद थी कि 2-4 दिन में निपट ही जाएगा, 5 दिन लगे निपटाने में। 18 सितंबर को हैदराबाद की सेना, जिसके प्रमुख एक यूरोपियन थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा किया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहते हैं। कहा जाता है कि नेहरू इस बात से बहुत खुश नहीं थे, और हैदराबाद का शासक इसी दौरान पहुंच गया सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, और उसने वहां यह कहा कि भारत ने हम पे हमला किया है, भारत एक आक्रमणकारी देश है। नेहरू अंतरराष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे, क्योंकि वो ग्लोबल नेता थे, उनको लगता था कि हर जगह थोड़ी छवि ठीक रहनी चाहिए। पटेल जी को लगता था कि भाड़ में जाए अंतरराष्ट्रीय मामला, यहां निपटा लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाद में देख लेंगे। तो यूएन ने पूछा भारत से कि आपने सेना क्यों भेजी, तो पटेल का जवाब गया, सेना नहीं है, पुलिस है, छोटी मोटी बात थी, कुछ खास बात नहीं है, पुलिस है, सेना नहीं है। 5 दिन में निपटाया। इन 5 दिन और इससे पीछे रजाकारों के मामले में जो हिंसा हुई, नेहरू जी ने एक आयोग बनाया, सुंदरलाल आयोग बोलते हैं। उस आयोग की रिपोर्ट है कि 20,000 से 40,000 के बीच में लोगों की मृत्यु हुई इस 9-10 महीने के समय में, विशेष रूप से इन 5 दिनों में। और कुछ पत्रकार कहते हैं कि यह संख्या 2 लाख के आसपास है। 2 लाख हत्याएं हुई उस 7-8 महीने में, मुख्य रूप से 5 दिनों में। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस समय कलंक लगती हैं, बाद में कोई इनको याद भी नहीं करता है। हैदराबाद को लेकर आज कोई नहीं कहता कि भारत ने गलत तरीके से मिला लिया, क्योंकि ठीक लगा उस समय, हैदराबाद आ भी गया। उसके बाद 1956 में हैदराबाद का तेलुगु भाषी हिस्सा आंध्र प्रदेश बन गया, मराठी भाषी महाराष्ट्र में चला गया, कन्नड़ भाषी कर्नाटक में चला गया। अब तो वो हैदराबाद की जो रियासत थी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खत्म ही हो गई। इस चीज से निकले ही थे तो नेहरू को लगने लगा कि बहुत हो गया, और अंत में तय हुआ कि सीज फायर को हम माने। सेना ने कहा कि सर 2-3 महीने और दे दो, निपटा देंगे, कम से कम कश्मीर खाली करवा लेंगे पूरा। पर नेहरू के मन में यह भय था कि अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय युद्ध का बन सकता है, पाकिस्तान की सेना हमला कर सकती है, और फिर एक नए नए देश के सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि मैनेज करना मुश्किल होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नियत पर शक मत कीजिए। उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो ठीक समझ में आया उसने वो किया। हम लोग भी होते शायद कुछ गलती कर बैठते, ऐसा थोड़े कि नहीं करते, कोई भी कर सकता था, वो भी कर सकते थे। और इस प्रकार हैदराबाद हमारे कब्जे में आ गया, जूनागढ़ आ चुका था, कश्मीर 2/3 भारत का हिस्सा हुआ, 1/3 उनका पास है, जिसको वो बोलते हैं आजाद कश्मीर, हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहां से शुरू होता है जम्मू कश्मीर का आगे का हिस्सा, जो हम संवैधानिक हिस्सा मानते हैं। इस झगड़े के बाद अब क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक वही है जैसा जूनागढ़ का भी था, जैसा मैसूर का था, जैसा हैदराबाद का था, सबका एक जैसा है।
इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि विलय पत्र की शर्तों पर ध्यान देना चाहिए, वो शर्तें सबकी एक जैसी थी, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कश्मीर का मामला जो अलग हुआ वो 2 नवंबर 1947 की स्पीच से हुआ, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, और जब यूएन में भी ये बात आ गई, और जब माउंटबेटन ने पहले ये बात कही थी। माउंटबेटन का विचार था जो नेहरू को अच्छा लगा था, और नेहरू ने इस बात को कह दिया था। वहां से सिचुएशन चेंज हो गई। शेख अब्दुल्ला 1947 में जब जेल से छूट गए, तो शर्त यह भी रखी थी नेहरू ने कि जब आप विलय पत्र पर साइन करेंगे तो उसके बाद इमरजेंसी के दौर में, आपातकाल में, शेख अब्दुल्ला प्रशासन को संभालेंगे। तो राजा हरि सिंह ने आदेश जारी कर दिया, शेख अब्दुल्ला इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधान होंगे। ये 30 अक्टूबर 1947 की बात है, उस दिन से वो प्रधान बन गए। अब शेख अब्दुल्ला मैनेज कर रहे हैं कश्मीर घाटी को, और वो इस पूरे युद्ध में एंश्योर कर रहे थे कि युद्ध में वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ रहे, भारत के पक्ष में रहे। उसके कुछ दिनों के बाद शेख अब्दुल्ला पूरी तरह से वहां के प्रमुख बना दिए गए, हरि सिंह के हस्ताक्षर से ही बने। तो शेख अब्दुल्ला वहां पर केंद्र में आ गए और राजा हरि सिंह बैकग्राउंड में चले गए। अब सवाल था कि आगे क्या करना है। अभी तो सिर्फ ये तय हुआ है कि हम भारत का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन भारत का हिस्सा बनने के बाद जो बाकी शर्तें हैं, जब तक प्लेबिसाइट ना हो जाए, बाकी चीजें ना हो जाए, उनका क्या करना है। उनके लिए 1949 में, आपको ध्यान रखना है कि 1949 में भारत की संविधान सभा अपना काम पूरा करने वाली थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब संविधान के शुरुआती कुछ हिस्से लागू हो गए, और नवंबर शुरू हो रहा था, जम्मू कश्मीर को संविधान में भी लेके आना था। तो 1949 की जून में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से 3 लोगों ने भाग लिया, एक थे शेख अब्दुल्ला, एक थे वल्लभ भाई पटेल, और एक थे जवाहरलाल नेहरू। इन 3 लोगों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को कुछ लोग दिल्ली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, दिल्ली समझ कहते हैं। मैं दिल्ली समझौता नहीं कह रहा, दिल्ली समझौता 1952 में हुआ था, ये दिल्ली अंडरस्टैंडिंग है, दिल्ली समझ है। इसमें यह तय हुआ कि भाई अब जैसे भारत की संविधान सभा संविधान बनाई रही है, तो जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी करना है उसे संविधान में ही कर लेते हैं। सहमति बन गई, और सहमति बनने के कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से 4 व्यक्ति हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। उन्हें विशेष प्रस्ताव से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, और हमारी संविधान सभा में जो नए मेंबर शामिल हुए, उनमें से एक का नाम था शेख अब्दुल्ला, वो खुद मेंबर बने। ध्यान रखना है, शेख अब्दुल्ला हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे लेटर फेज में। एक मिर्जा अफजल बेग, अफजल बेग शेख अब्दुल्ला के सबसे, मतलब समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वो शेख अब्दुल्ला के लिए अफजल बेग हुआ करते थे। अफजल बेग हमेशा उनके, मतलब जो जय और वीरू की जोड़ी है ना, वैसी जय और वीरू समझ लीजिए, इस तरह का साथ इन लोगों का था। तीसरे एक मसूदी नाम के नेता थे, और चौथे व्यक्ति थे मोतीराम बागड़ा, एक हिंदू थे, 3 मुस्लिम थे। ये 4 व्यक्ति जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में हमारी संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में सहमति बनी कि भारत सरकार ने कश्मीर से क्या समझौता किया है, उस समझौते के तहत कुछ विशेष उपाय जम्मू कश्मीर के लिए करने होंगे, क्योंकि प्लेबिसाइट होना है। जब तक होगा, अब कब होगा पता नहीं, जब पाकिस्तान पीछे हटेगा, फिर भारत पीछे हटेगा, फिर स्थानीय प्रशासन प्लेबिसाइट करवाएगा, कंडीशंस इतनी सारी हैं, और ऐसे मामले में कोई देश अपनी सेना पीछे लेके जाता नहीं है, ये तय था कि होना है नहीं, तो था कि अब कैसे मैनेज करें। इन चारों ने संविधान सभा में अपनी बात रखी। संविधान सभा ने आम सहमति से, इस पर गौर कीजिएगा, हमारे संविधान सभा ने किसी भी आर्टिकल को इंक्लूड करने के लिए वोटिंग नहीं करवाई। संविधान सभा ने शुरू में एक बात तय कर ली थी कि हम वोटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि वोटिंग से मतभेद होते हैं, हम बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे, और अंत में कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर सर्वसम्मति से बात बने। ये बहुत अच्छा स्टैंड था हमारे संविधान सभा का, ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि ये आर्टिकल तो बीजेपी लाई थी, ये आर्टिकल कांग्रेस लाई थी, ऐसा ना कहा जाए। पूरा संविधान, पूरी संविधान सभा लाई थी, ये सहमति हमने बनाई। पूरी संविधान सभा ने 306A नाम से एक आर्टिकल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किया।
और यही आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ तो बन गया 370। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर तो 47 में आया, 370 फिर 49 में क्यों आई, 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया था। किसी की बात पे मत आइए, ये सारा एक प्रोसेस है। संविधान सभा की सहमति से 306A बना, जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 370 हो गया। 370 में क्या है, जब ये समझना है कि वो कैसे हटा तो पहले ये समझे कि 370 में लिखा क्या हुआ था, क्योंकि 370 एक कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, उसको ठीक से समझना जरूरी है। अनुच्छेद 370, सबसे पहले समझिए कि हमारे संविधान का भाग 21 है और भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक का हिस्सा शामिल है। यह भाग बनाया था उन चीजों के लिए जो अस्थाई किस्म की चीजें थी, और इसलिए इस भाग का नाम रखा गया था टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, अस्थाई व संक्रमणकालीन उपबंध। मूल संविधान में इसका नाम इतना ही था, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इस भाग में किसी अनुच्छेद को रखने का मतलब ही है कि उस समय सहमति थी कि टेम्परेरी मामला है, परमानेंट मामला नहीं है, टेम्परेरी। हां, बाद में 13th अमेंडमेंट जब हुआ संविधान में 1962 में, नागालैंड के लिए हुआ था। जब नागालैंड की बात चली तो आर्टिकल 371A उसके लिए बनाया गया। 371A जब बनाया गया तो नागालैंड के जनजातीय समुदाय की, नागा समुदाय की ये मंशा थी, उनका प्रश्न था कि आप जिस भाग में हमें डाल रहे हैं उस भाग का नाम तो अस्थाई प्रावधान है, तो हम हमेशा संदेह करते रहे आपके ऊपर या कुछ पक्का भरोसा दोगे हमको। नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाना इतना मुश्किल काम था, इतना कठिन काम था, नेहरू ने कर लिया तो कर लिया, किसी और के बस की बात नहीं थी। नागा समुदाय अपनी आजादी के लिए जान देने और लेने को हमेशा तैयार था एकदम। कैसे कैसे नेहरू जी ने मैनेज किया वो भी एक बड़ा रोचक इतिहास है। और जब 371A बनाया उनके लिए और नागा लोगों को डाउट हुआ तो नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, इसके हेडिंग में एक शब्द और जोड़ देते हैं, और तब शब्द जोड़ दिया अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान एंड स्पेशल प्रोविजंस। आज आप संविधान पढ़ेंगे तो भाग 21 का नाम क्या मिलेगा, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ध्यान रखना है कि मूल संविधान में जब आर्टिकल 370 लाए थे तब विशेष प्रावधान नहीं था, वो बात की बात है, उस समय अस्थाई प्रावधान था। और 370 के अंतर्गत जितनी बातें हैं, कुल मिला के 67 बातें हैं, वो क्या हैं उनको समझें। 370 का 3 क्लॉजेज हैं, 1, 2 और 3। जो पहली क्लॉज है उसकी 4 सब क्लॉजेज हैं, A, B, C, D। अब जो केंद्र सरकार ने अभी जो किया है, अमित शाह जी ने, वो शुरुआत की है 371D के प्रयोग से और बाद में 373 का इस्तेमाल करके इस अनुच्छेद को हटाया है। आपने ये भी सुना होगा कि 370 में केवल 1 को रखा है, बाकी हटा दिए हैं, कुछ नहीं रखा है, कहने की बात है, 1 का भी सब चेंज कर दिया है, इन सब को हटा के एक सिंपल पैरा रख दिया है, वो 371 हो गया है। तो पहले की मूलधारा क्या थी वो समझे। 371A में कहा गया था कि हमारे संविधान का आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ये 371A में लिखा हुआ था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। जब भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान में जो राज्य थे ना, वो राज्य 4 प्रकार के बनाए गए थे, A, B, C और D। स्टेट्स हमारे 4 प्रकार के थे। अगर आपने संविधान पढ़ा तो आपने देखा होगा कि भाग 6 राज्यों के बारे में है, पता है आप लोगों को, भाग 5 केंद्र के बारे में, भाग 6 राज्यों के बारे में है। मूल संविधान में भाग 6 का संबंध था ए राज्यों के साथ, भाग 7 का संबंध था बी राज्यों के साथ, भाग 8 का सी के साथ, भाग 9 का डी के साथ। 4 प्रकार के राज्य थे, संविधान के 4 भाग थे।
अगर आर्टिकल्स की बात करें तो भाग 6 का संबंध जो पहले था आज भी है 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 तब भी था आज भी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भाग बी था उसमें एक ही आर्टिकल था 238 जिसका जिक्र 370 में भी आ रहा है। भाग सी में 239 से 242 चार थे, और जो भाग 9 था या पार्ट डी था उसमें एक ही आर्टिकल था 243 पता ही आपको, रबड़ जैसा आर्टिकल है, उसका इतना खींच दिया उसको, उसमें 50 आर्टिकल्स बना दिए हैं, पंचायती राज के भी, नगर पालिकाओं के भी, सहकारी समितियों के भी, सब उसमें हैं। तो मूल संविधान में भाग 6, 7, 8, 9 इनका संबंध चार प्रकार के राज्यों से था। भाग ए में वो राज्य थे जो राज्य ब्रिटिश सत्ता ने हमें सौंपे थे, जो ब्रिटिश या 1935 के अधिनियम में जिन राज्यों की सूची है वो भाग ए में थे, 1935 के अधिनियम वाले राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश जिसका नाम संयुक्त प्रांत था वो उसमें शामिल था, और बहुत सारे राज्य, उसमें 10 राज्य शायद हमारे लिस्ट में उस समय थे, जैसे बंगाल उसमें एक राज्य था, इस तरह के राज्य जो थे। भाग बी बनाया था उन बदमाशों के लिए जो मान नहीं रहे थे, पटेल ने बड़ा समझाया, चार चार गाजर खिला दी उनको कि भाई आ जाओ भारत में, आ जाओ, नहीं आएंगे, इनके पास अपनी बड़ी सेनाएं थी, जैसे हैदराबाद, जैसे जम्मू कश्मीर, ये सब लोग बड़ी सेनाओं वाले राज्य थे, समझाने से मान नहीं रहे थे, राजस्थान नहीं मान रहा था उस समय। तो पटेल ने अंत में कहा अच्छा ऐसा करते हैं, क्या चाहिए आपको? बोले हमें अपनी सेना चाहिए, डिफेंस अपना चाहिए। तो पटेल मान गए कि ठीक है यार, तुम सेना भी रख लो, और क्या चाहिए? बोले अपने राज्य के प्रमुख हम ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी कर लो, कोई बात नहीं, और बताओ क्या चाहिए? इनकी सारी बातें मान ली, सारी मतलब कुछ कुछ बातें मान ली, जैसे राज प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा इनके राजाओं को, इन राजाओं को प्रीवी पर्स दिए जाएंगे, खूब पैसा देंगे पेंशन के तौर पर हर महीने, अब ये सत्ता में नहीं है पर तो इनका राज्य तो हमने लिया ही है ना भाई, और आपको अपनी सेना रखने का अधिकार देंगे, और दुनिया भर की बातें, 21 तोप के सलामी टाइप की जो बातें होती है ना, वो सब इनके लिए कर दी गई थी। तो एक ही आर्टिकल था 238, उसमें लिखा हुआ था कि इन राज्यों को ये देंगे, इसमें कौन था? हैदराबाद था, मैसूर था, जम्मू कश्मीर था, इस तरह के राज्य इसमें थे। भाग सी में छोटी रियासतें या फिर जिसको इंग्लैंड की सरकार यूटी की तरह इस्तेमाल कर रही थी, चीफ कमिश्नर स्टेट्स कहते थे उनको,